नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करिए और मेरे पिछले वीडियोस प्लीज़ ज़रूर देखिए। और आपको कैसा लगा उन वीडियोस को देख करके, आपकी क्या राय है उस पर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप एक्सरसाइजेस। तो सूक्ष्म व्यायाम ऐसे व्यायाम हैं जिनको हम अपना योगा का जो सेशन है उसको शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। तो सूक्ष्म व्यायाम से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो हमारे जॉइंट्स, वो हमारे बॉडी में कई बार ब्लॉक हो जाती है। हम ठीक से नहीं उठते बैठते, हम ठीक से नहीं चलते फिरते, हम कहीं बिजी हैं, हम किसी एक पोस्चर में बहुत देर तक बैठे हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुकता है, वो डिस्टर्ब होता है। तो इसकी वजह से कई बार हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं और जब ये ब्लॉकेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्रॉनिक हो जाते हैं, तो हमें तरह तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं। तो आइए जानते हैं कि हम अपने योगासन शुरू करने से पहले कौन से ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं जिनको हमें करने से हमारे बॉडी के अंदर के ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं और हम एक प्रॉपर योगा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को सामने की ओर लाएंगे, हमारे हाथ पूरे स्ट्रेच्ड आउट, कंप्लीट स्ट्रेट, ऐसे बेंड नहीं करना है, ऐसे नहीं मोड़ना है। हमारी जो एल्बोज हैं पूरी तरीके से स्ट्रेट, अपने अंगूठे को अंदर की ओर बंद करेंगे और अपनी उंगलियों को ऊपर से बंद करते हुए कस के टाइट से बंद करना है और टाइटली ओपन करेंगे। पूरी फिंगर स्ट्रेच्ड, पूरा पाम स्ट्रेच्ड एंड अगेन विल क्लोज इट। इस तरीके से हम इसको बंद करेंगे और खोलेंगे, इसको बोलते हैं मुष्टिका बंधन। कस के बंद करना है, कस के खोलना है, ये हम 10 से 15 बार तक कर सकते हैं। इससे हमारे हाथों में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नसें हमारी शांत पड़ गई हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और हमारे हाथों को पूरा ब्लड मिलता है, मुष्टिका बंधन। इसके बाद हम अपने रिस्ट को इस तरीके से बंद करना है और फिर अपनी कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे एक डायरेक्शन में थोड़ी देर तक, 10 से 15 बार तक आप एक डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, इसको भी हम 10 से 15 बार तक बड़े आराम से कर सकते हैं। इनहेल और एक्सहेल करते रहें, इनहेल और एक्सहेल। इसके बाद हम अपने हाथों को फोल्ड करके अपने शोल्डर्स के ऊपर स्कंद चक्र, स्कंद चक्र, इसमें हम अपनी एल्बोज को सामने लाते हुए आपस में टच करते हैं और फिर पूरा स्ट्रेच करते हुए ऊपर अपने कानों तक और पूरा पीछे अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करते हुए नीचे, फिर से अपने एल्बोज को टच करेंगे। इस तरीके से हम एक डायरेक्शन में 10 से 15 बार तक जितनी बार भी कंफर्टेबल रहें, पीठ कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए अपने सिर्फ हाथों को मूव करना है और फिर हम इसी को अपोजिट डायरेक्शन से उल्टी दिशा से करते हुए सेम उसी तरीके से अपने कानों से टच करते हुए नीचे की ओर, हाथ ऊपर जाएंगे, इनहेल, हाथ नीचे आएंगे, एक्सहेल। ये है स्कंद चक्र। इससे हमारे पूरे अपर बैक की जितनी भी नसें हैं, जितनी भी मांसपेशियां हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती हैं, उन सब का मूवमेंट होता है और हमारे शोल्डर्स, हमारे कॉलर और हमारा अपर नेक हिस्सा ये अच्छा रहता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे ग्रीव संचालन। सो ग्रीवा संचालन, जिसमें हम अपनी नेक, ग्रीवा यानी हमारी गर्दन, इसका हम मूवमेंट करेंगे ग्रीव संचालन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी गर्दन को बड़े ही आराम से नीचे आने दें और नीचे, और कोशिश करें कि अपनी चिन को अपने चेस्ट से टच करना है। सो नीचे लाते हुए अपनी गर्दन को अपने चेस्ट से टच कर देंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 काउंट तक एंड देन कम अप। आराम से ऊपर आते हुए और फिर धीरे 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 अपनी गर्दन को पीछे की ओर लटका दें
हमारा थ्रोट पूरा स्ट्रेच्ड पीछे की ओर, पीठ कमर गर्दन को सीधा रखें। इस तरीके से हम 10 काउंट तक या 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे एंड देन कम बैक इन योर ओरिजिनल पोजीशन सेंटर में। इसके बाद हम अपने राइट साइड अपनी गर्दन को आराम से मोड़ते हुए राइट शोल्डर के ऊपर आना है, बिल्कुल राइट शोल्डर के ऊपर से अपने राइट डायरेक्शन में स्ट्रेट देखना है। होल्ड करेंगे, अपनी गर्दन पे जो स्ट्रेच है उसको फील करते हुए रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड पूरा टर्न करना है, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से पीछे की ओर देखते हुए होल्ड करेंगे अगेन 10 काउंट तक एंड रिलैक्स, कम इन सेंटर। इस तरीके से हम अपने पूरे गर्दन को एक मूवमेंट देंगे। इसके बाद हम अपने ग्रीव संचालन का पूरा रोटेशन अपनी गर्दन का, तो अपनी गर्दन को आगे की ओर, अपने चिन को अपने चेस्ट से टच करें एंड देन स्लोली रोल ओवर योर राइट शोल्डर, गोइंग बैक एंड स्लोली कमिंग टू योर लेफ्ट शोल्डर, पूरा नीचे से ऊपर। धीरे धीरे अपनी गर्दन को महसूस करते हुए गर्दन पीछे जाएगी, इनहेल, गर्दन आगे आएगी, एक्सहेल। उसी तरीके से हम अपोजिट डायरेक्शन से धीरे धीरे अपनी गर्दन को पूरा महसूस करते हुए पूरा रोटेशन गोल गोल पूरी गर्दन को घुमाना है एंड देन कम इन सेंटर, रिलैक्स। तो हम इस तरीके से अपनी पूरी गर्दन को गोल गोल एक साइड से, राइट साइड से लेफ्ट की ओर, और इस तरीके से हम एक रोटेशन में 10 से 15 बार, और दूसरे साइड से भी हम 10 से 15 बार तक बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे और कुछ छोटे आसन हम अपने मैट पे खड़े होके करेंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल साथ में, हमारे दोनों फीट्स एक साथ में, कोई पैरों में कोई गैप नहीं, हमारी हील्स आपस में टच्ड, सीधे खड़े होंगे। पहला आसन है हमारा खड़े होके ताड़ आसन। तो ताड़ आसन के लिए अपने हाथों को साइड से पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे अपने आप को ऊपर, इंटरलॉक करें अपनी फिंगर्स को, पूरा स्ट्रेच हमारी बाइसेप्स हमारे कान के पीछे, और फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे स्लोली अपने टोज पे आएंगे एंड देन एक्सहेल करते हुए डाउन। अगेन इनहेल करते हुए पूरा ऊपर, एक स्ट्रेच पूरी बॉडी को ऊपर की ओर एंड देन डाउन। ताड़ासन इस तरीके से हम 10 से 15 बार तक करेंगे और उसके बाद अपने आप को अपने टोस पे लाएंगे ऊपर, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, पूरा स्ट्रेच टो से लेके फिंगर्स तक, पूरा स्ट्रेच होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 से 15 सेकेंड तक एंड देन डाउन, रिलैक्स। पैरों में थोड़ा सा गैप दें, त्रियक ताड़ासन। इनहेल करेंगे लंबा गहरा इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड बेंड करें, अपने हाथों को कान के पास रखना है, ऊपर की ओर देखेंगे, होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड तक, वापस आएंगे सेंटर में, इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड बेंड करना है, हाथों को स्ट्रेट ऊपर की ओर देखना है, होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड तक एंड देन वापस इनहेल करते हुए इस तरीके से अपने हाथों को पूरी बॉडी, ताड़ासन और त्रियक ताड़ासन में हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है और हमारे अंदर जो ब्लॉक एनर्जीज हैं वो रिलीज होती हैं। इसके बाद हम कटी चक्रासन, कटी चक्रासन के लिए खड़े होंगे, पैरों में शोल्डर इतना गैप, हाथों को सामने पैरेलल टू द ग्राउंड और अपने हाथों को भी एक दूसरे से पैरेलल ही रखना है। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड पूरा ट्विस्ट, कम इन सेंटर,
इनहेल अगेन, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पूरा ट्विस्ट अगेन। इस तरीके से हम 15 से 20 बार तक एक साइड से दूसरे साइड एंड रिलैक्स आराम से हाथों को नीचे। इसके बाद अपने पैरों को और वाइड ओपन करना है, त्रिकोण आसन ट्रायंगल पोज। इसके लिए हम अपने पैरों को वाइड ओपन किया, अपने हाथों को स्ट्रेच आउट। नाउ फ्रॉम आवर लेफ्ट हैंड विल गो टुवर्ड्स आवर राइट फीट। पूरा नीचे अपने हाथों को अपने फीट के बगल में रख देना है, अपने हाथ को ऊपर देखते हुए होल्ड करेंगे यहां पे। कम अप इन सेंटर आराम से, इनहेल अगेन, एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड जाएंगे, अपने हाथों को पाम्स को फीट के बगल में रख देंगे और दूसरे हाथ को ऊपर की ओर देखते हुए होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड एंड कम अप। फिर से अपने दूसरे साइड जाएंगे, नीचे होल्ड करेंगे यहां पे एंड देन कम अप एंड हैंड्स डाउन रिलैक्स। हमारा जो आखिरी सूक्ष्म व्यायाम है, आखिरी हमारा जो वार्म अप एक्सरसाइज है, वो होगा इंजन दौड़, जिसको हम योगा में इंजन दौड़ बोलते हैं। तो अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखना है। अभी हम जंप एंड जॉग करेंगे, जिसमें हमारा हाथ साथ में भी चलेगा। तो हम जॉग भी करेंगे और हमारे हाथ भी चलने हैं, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट दिस। हाथों को साइड में रखेंगे, डीप इनहेल एंड देन स्टार्ट इंजन दौड़ 1। इस तरीके से तेजी तेजी के साथ हमारे पैर पीछे हमारे हिप्स पे हिट करें। वापस रिलैक्स। तो ये कुछ छोटे सूक्ष्म व्यायाम थे जिनको हम अपने योगा आसन या अपने योगा क्लास में सबसे पहले करते हैं। इसके बाद हम प्रिपेयर हो जाते हैं, हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर फ्लो करने लगता है, हमारी ब्लॉक एनर्जीज रिलीज होती हैं, हम थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं और फिर हम प्रिपेयर होते हैं अपने बाकी आसनों के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर या वार्म अप एक्सरसाइज के ऊपर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें। धन्यवाद।